हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेडिस्टल लैंप्स एंड वुडन सेट्स, ठीक है, ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ए ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड ए स्प्रेयर। इट टेक्स 2 आवर्स ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 3 आवर्स ऑन द स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर ए पेडिस्टल लैंप, ठीक है। While it take 1 hour on the grinding cutting machine and 2 hours on the sprayer to manufacture a shed, तो इसमें basically सबसे पहले हमें suppose करना होगा, हमने suppose किया कि जो हमारा lamps है, pedestal lamps और wooden sets है, इसकी number को हमने suppose किया क्या x and y। तो अब जैसा कि दिया हुआ है according to the condition, सबसे पहले objective function बनाना है 2 hours on the sprayer to manufacture a shed on any day, the grinding cutting machine for at the most 12 hours, the profit from the sale of a lamp rupees 12 hours, the profit from the sale of a lamp is rupees 5 and that from a set is rupees 3। तो देखिए इसके लिए प्रॉफिट कितना है 5 रुपए, इसके लिए प्रॉफिट कितना है 3 रुपए। तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कंसिडर करना होगा, मैक्सिमम ऑफ सेट इज इक्वल टू ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। जो आपका लैम्प है, लैम्प कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस का 3y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले एलपीपी का हमें फॉर्मुलेशन करना होगा और ये सारा काम फॉर्मुलेशन के लिए हो रहा है। सबसे पहले लैम्प की नंबर, इसके बाद हमारी सेट्स की नंबर और हमें प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना है, ठीक है। तो एक एक्स पर 5 रुपए मिलता है, एक वाई पे 3 रुपए मिलता है, तो ये टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5x प्लस 3y। अब आते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। देखिए आवर्स कितने लगते हैं, जैसे ग्राइंडिंग कटिंग का 2 आवर्स है, ठीक है। ग्राइंडिंग कटिंग का यहाँ पर कितना है 2 आवर्स और यहाँ पर ग्राइंडिंग कटिंग का कितना है 1 आवर ऑन द ग्राइंडिंग कटिंग, तो ये कितना हो जाएगा आपका कि 2x प्लस y। इसी तरह से स्प्रेयर का यहाँ पर कितना है 3 takes 2 hours on grinding cutting machine and 3 hours on the sprayer, तो ये हो गया आपका 3x और इसमें स्प्रेयर का टाइम कितना दिया हुआ है 2 hours on the sprayer to the manufacturer a set, ठीक है। यहाँ पर दिया है आपका 2x y और इसमें ग्राइंडिंग का जो मैक्सिमम टाइम है हमारे पास, स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 20 आवर्स, तो स्प्रेयर का मैक्सिमम टाइम है 20, तो ये हो जाएगा लेस देन इज इक्वल टू 20 और ग्राइंडिंग का जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना है 12 आवर्स, तो ये हो जाएगा लेस देन इज इक्वल टू 12 सब्जेक्ट टू एक्स वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपली आपका एक एलपीपी फॉर्मुलेट हो गया और इसके बिहाफ पर हमें क्या करना है कि ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना करके हमें जेड की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आइए कंसीडर करते हैं। सबसे पहले दोनों लाइंस को हमने कंसीडर किया कि एक्स अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट लाइन हो गई। यहाँ के लिए करेंगे तो एक्स अपॉन 20 अपॉन 3 प्लस y अपॉन कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 3x प्लस 2y एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ग्राइंडिंग कटिंग 3 आवर्स ऑन द स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर ए पेडिस्टल लैम्प, इट टेक्स 2 आवर्स, 2 आवर्स ग्राइंडिंग कटिंग का इधर है और स्प्रेयर का 3 आवर्स है और इसमें ग्राइंडिंग कटिंग का कितना है, इसमें ग्राइंडिंग व्हाइल इट टेक्स 1 आवर ऑन द ग्राइंडिंग कटिंग का 1 है और इसमें स्प्रेयर का कितना है 2 है, ठीक है। ठीक है, टोटल टाइम देख लेते हैं। स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 20 आवर्स, स्प्रेयर का 20 है और ग्राइंडिंग कटिंग का 12 आवर्स है, सही है सारा कुछ। तो अब हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इनको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 6 12 इधर से 6 इधर से 12, ये लाइन हमारी किस तरह की बनेगी। इसके बाद इधर से 10, वाई एक्सिस से 10 होगा और ये हो जाएगा आपका 6 से मैं भी ज़्यादा, ठीक है। ये है 20 अपॉन 3, तो ये 6 से ज़्यादा होगा। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 6, 0 और ये पॉइंट हमारा हो गया 0, 12।
12 से डिवाइड करेंगे तो 6 आया, 12 आया, क्लियर है। 20 से डिवाइड करेंगे तो 20/3 18, 6 से ज़्यादा आएगा और ये हो जाएगा y/10। तो ये लाइन बेसिकली हमारी बनना चाहिए, ये y में कितना है, 10 है, ठीक है, y में 12 है ये, और ये है y में 10 और ये 6 से ज़्यादा है, तो ये लाइन हमारी इस तरह की बननी चाहिए। सेकेंड लाइन, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 20/3,0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0/10। अब इसका सोल्यूशन रीजन निकालते हैं, तो देखिए 0,0 से ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0,0 से ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सोल्यूशन रीजन बेसिकली कहाँ की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से कॉर्नर पॉइंट में एक तो ओरिजिन होगा, एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा, तो बेसिकली इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। कैपिटल एन के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x+2y, ये हो गया 24 और ये है 3x+2y, ये कितना है आपका 20, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x को अगर 4 रखते हैं 8, और ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 4 हो जाएगा, तो कैपिटल एन के कोऑर्डिनेट कितने आ गए अपने पास, 4 4। अब हम क्या करते हैं कि सभी पॉइंट पर, इसको हमने सपोज किया ए, इसको हमने सपोज किया बी, तो सबसे पहले ए पर वैल्यू निकालते हैं जेड की, फिर बी पर वैल्यू निकालते हैं जेड की, ओरिजिन पर वैल्यू निकालते हैं जेड की, फाइनली 4 4 पर वैल्यू निकालते हैं जेड की, ठीक है, तो इन सब पर वैल्यू हमें निकालना है। तो z क्या है हमारे पास, 5x+3y, z है 5x+3y, तो 6 0 पर ये कितना आएगा आपका, 30, 0 10 पर ये कितना आ गया आपका, 30, 0 0 पर ये 0 हो गया, 4 पर ये हो गया 20+4 = 12, यानी कि 32। मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही किस पर, 4 4 पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 पर मैक्सिमम ऑफ जेड हमें कितना मिला, 32। तो ऑप्शन में कहता है कि मैक्सिमम जेड ₹30 व्हेन द मैन्युफैक्चर, नहीं ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, फिर कहता है मैक्सिमम जेड 32 व्हेन ही मैन्युफैक्चर 4 लैंप और 4 वुडन सेट्स, बिल्कुल ये ऑप्शन के साथ में जाना पसंद करूंगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, और बेसिकली मैक्सिमम जेड 32 व्हेन मैन्युफैक्चर 4 और 4, ऑप्शन हमारा तीसरा भी सही, क्योंकि दूसरा और तीसरा दोनों हमारे सेम हैं, तो आप इसको देखिएगा कि कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, आप दूसरा भी सही कर सकते हैं और तीसरा ऑप्शन भी सही कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही शानदार वर्ड प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन शॉर्ट टाइम में। होपफुली मेथड आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।